आई एम अ हिंदू, आई एम सिटिंग इन माई ऑन लिटिल वेल। अगर मैं हिंदू हूं और मैं इस छोटी सी विचारधारा में सिमटा हुआ हूं, एक कुएं जैसी विचारधारा में, तो फिर मैं कभी भी दूसरों की विचारधारा को नहीं समझ पाऊंगा। एंड थिंकिंग दैट द होल वर्ल्ड इज माई लिटिल वेल, और मैं पूरी दुनिया को उस अपने छोटे से उस विचारधारा से जोड़ू, उससे तुलना करूं, तो ये तो गलत बात है ना। द क्रिश्चियन सिट्स इन हिज लिटिल वेल, और क्रिश्चियंस अपने लिटिल वेल छोटे कुएं में बैठते हैं, एंड थिंक्स द होल वर्ल्ड इज हिज वेल, और उसे लगता है कि ये पूरी दुनिया उसके उस कुएं की तरह ही है। द मुहम्मदंस एंड द सेम थिंग हैपेंस विद द इस्लामिक पीपल, सिट्स इन हिज लिटिल वेल, अपने छोटे से कुएं में बैठते हैं और उन्हें लगता है कि यही दुनिया है। So this is the perception that the story is about, and I loved this story. I listened to it again and again while I was a child, and actually this is so inspiring because you know the well is well, but the sea is the sea. If you know the sea, then you will not come back to the well. So go to the sea, get to the sea, look at the sea, observe the sea, and be the dweller of the sea. Thank you for watching.